सब्सक्राइब करें CSTW प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि अभी अभी जो ट्वीट पे और न्यूज़ पे जो ये फैल रहा है कि आपके नंबर में UIDAI का नंबर सेव हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। सेव तो मेरे भी नंबर में हो गया जब मैं कि अपने मोबाइल में चेक किया और मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि UID, तो यहाँ पे देखिए UID का नंबर जो है यहाँ पे मैंने भी देखा कि यहाँ पे सेव हो चुका। हालांकि ये ओल्ड नंबर है, लेकिन बहुत सारे मोबाइल के लोगों के मोबाइल में जो है 1800300 1947। हालांकि रियल नंबर जो अभी UIDAI ने कहा कि ये 2 साल पहले बंद हो चुका और लास्ट का जो 4 डिजिट का नंबर है यही अभी चालू है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ये सेव कैसे हो सकता है और इसका कारण क्या है कि आपका फ़ोन हैक हो गया या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप कोई वॉलेट यूज़ करते हैं, अगर कोई आप आई वॉलेट यूज़ करते हैं जैसे पेटीएम हो गया या कोई भी बहुत सारे हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैं और भी हैं, मोबीक्विक है, तो बहुत सारे पेटीएम जो है उसमें आधार जो है मांगा जाता है, आधार आपके आधार का नंबर। तो उस वजह से भी हो सकता है कि ये काउज है, ये ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि कारण है कि वो उस वजह से भी सेव हो सकता है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आप एम आधार केस का यूज करते हैं, एम आधार का अपने मोबाइल में, तो उस वजह से भी सेव हो सकता है। हालांकि UIDAI ने साफ कहा है कि मेरे तरफ से सेव नहीं हुआ है और सर्विस प्रोवाइडर उसके तरफ से भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेरे तरफ भी नहीं हुआ हो सकता है। तो हालांकि दोस्तों इससे बचा कैसे सकता है, अगर आपका सही में जो है ऑटोमेटिक हो गया है तो इसके बचा कैसे जाता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उसमें जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि जो है अलाउ कीजिए आप अपना फोल्डर फाइल को रीड करने के लिए, आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करने के लिए और भी वगैरह जो जो लोकेशन को रीड करने के लिए जो है आपसे परमिशन मांगा जाता है बहुत सारे ऐप्स को। तो उस वजह से भी जो वो आपको रीड और राइट कर सकता है, आपको कॉन्टैक्ट को रीड राइट कर सकता है, आपको फाइल और फोल्डर को भी जो है रीड कर सकते हो। जो इससे बचा कैसे जाता है तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जो भी, तो बेवजह जो है सभी परमिशन उसको नहीं दे। परमिशन देने के लिए जो है आप देख लीजिए कि उसमें जो इमरजेंसी है, जो बहुत ही रेयर केस का परमिशन है कि उसको बिना दिए बगैर मेरे एप्लीकेशन जो है ऑन होगा ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो ऑन होंगे ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अगर आप उसको डेनी डेनी करते जाएंगे, अलाउ जैसे अलाउ डेनी दिया हुआ रहता है नीचे, तो आप डेनी डेनी करते जाएंगे तो भी वो एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। तो पहले तो आप डेनी ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि पहले अगर डेनी ही सबको करते जाए और फिर जो है कोई परमिशन मांगे तो एक एक करके ट्राई करें। चलिए, और उसके बाद आपको पता नहीं है कि मेरे सारे ऐप्स में जो है कितने सारे मैंने क्या क्या परमिशन दे रखे हैं, तो आप जो है ऐप वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो जैसे चलिए सबसे पहले जो मैं कोई भी ऐप ले लीजिए जिसको भी आपको चेक करना है कि मैंने किस ऐप को क्या परमिशन दिए हुए हैं, तो उस पर जो है ऐप को जो है आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं ABP Live News का चेक करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ परमिशन, नो परमिशन अलॉट, तो इस पर क्लिक करेंगे परमिशन पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी जो है इन्हें यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट्स, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स जो है इसको आप परमिशन देंगे तो ये आपके सारे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को रीड और राइट कर सकता है, हालांकि कुछ चेंजेस भी कर सकता है, हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है लेकिन वो कर सकता है, आप उसको परमिशन देते। लोकेशन फ़ोन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जब आप प्ले स्टोर से अप्लीकेशन इंस्टॉल भी करते हो उसमें भी साफ साफ ये रहता है कि ये परमिशन हमको चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐप जो है बोल रहा है क्या कि ये परमिशन दीजिए तभी ऑन होगा, तो आप यहाँ से सेटिंग में जाइए, हालांकि वो क्लू भी बताते हैं कि सेटिंग में जाना है, परमिशन में जाना और यहाँ पर ऑन कर देना। तो इस तरह से जो है आप सारे ऐप के जो है परमिशन को यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको डेनी कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप फोर्स डिसेबल करके भी जो है उसको रोक सकते हैं जो कंपनी द्वारा दी जाती है जो अनइंस्टॉल रहता है। तो आप जो है यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि बेवजह जो है आप जो है अलाउ परमिशन नहीं करें। अगर आप कर चुके हैं बहुत सारे ऐप में तो यहाँ से जाके आप ऐप से मैंने जो अभी बताया यहाँ से बिल्कुल जो है आप ऑफ कर सकते हैं, और जो है बेवजह हमेशा जो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी ना रखें, जब आपको ज़रूरी हो तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट रहें, और ऊपर से लोकेशन भी जो है बहुत हमेशा ऑन नहीं रखें।
तो अभी हर चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो इसमें आपको जो है संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार फ़ोन आपकी हैक हो गई तो फिर आपका प्राइवेसी जो है प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, फिर वो पब्लिक कर दिया जाता है, आपकी ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, बहुत सारे जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये सब उपाय है। अब आप यहाँ पे ऐप्स में जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि बेवजह जो है, जैसे कि बहुत सारे एडवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं ऐप में, तो यहाँ पे जो है एडवेयर इंस्टॉल को चेक करने के लिए रहता है कि वो वाइट रहता है। ये जो देखिए ये कलर जो रहता है वो रहेगा वाइट कलर का, और कुछ के भी करेगा आप वहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो। उसके चलते जब आप नेट से कनेक्ट करेंगे तो आपके जो है फ़ोन में लगातार ऐड आते रहते हैं, ठीक है, कि मालवेयर आप में इंस्टॉल हो चुका है, इसको जल्दी से रिमूव कीजिए, इंस्टॉल कीजिए वगैरह वगैरह, ये सब लिखाते रहते हैं। तो उसको यहाँ से जो है आप रिमूव कर सकते हो। वो यहाँ पर वाइट कलर का ये उसका आइकॉन रहता है, पूरा वाइट रहता है, आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और परमिशन भी कोई किसी भी ऐप का आप जिस पे आपको शंका हो यहाँ पे उसका परमिशन भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगा, और कमेंट्स में बताया कि आपका क्या राय है। तो देखने के लिए धन्यवाद, तो थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स।